भारत की संस्कृति और इतिहास बहुत विराट है, परंतु सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि इतिहास के माध्यम से जो सम्मान भारतीय संस्कृति को विश्व में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारे स्वर्णिम इतिहास को कथाओं और कहानियों में समेट कर रख दिया गया। साथ ही भारत के गौरव रहे महापुरुषों के ऊपर कई इस प्रकार के प्रश्न उठाए गए हैं जो चिंताजनक हैं। उस गौरव में इतिहास को बताने और इन प्रश्नों का उत्तर देने के उद्देश्य से ही मेरा भारत नाम से यह वीडियो सीरीज शुरू की गई है। ऐसा ही एक प्रश्न है कि जब प्रभु श्री राम द्वारा शूद्र शंभुक की हत्या की गई तो फिर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें वह प्रसंग भी जानना होगा। श्री वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड के 76वें सर्ग में श्री राम द्वारा शंभुक शूद्र की हत्या का प्रसंग आता है। यह प्रसंग कुछ इस प्रकार है। श्री राम के राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है, जिससे ऐसा माना जाता है कि श्री राम के राज्य में कुछ अधर्म हो रहा है। तब नारद जी ने बताया कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। तब पुष्पक विमान से श्री राम उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में जाते हैं। वहाँ उन्हें घोर तपस्या करते हुए एक व्यक्ति मिलता है। श्री राम ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम और जाति क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम शंभुक है और आप मुझे शूद्र समझिए, और मैं देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से तपस्या कर रहा हूँ। इतने पर श्री राम ने तलवार निकाली और उसका सर काट दिया। देवताओं ने जय जयकार किया और ब्राह्मण पुत्र स्वतः ही जीवित हो गया। अब यहाँ पहली आलोचना तो ये है कि श्री राम ने शूद्र की हत्या कर दी। दूसरा ये कि शूद्र को तप करने का, ज्ञान लेने का और वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। और तीसरा, शूद्र स्वर्ग नहीं जा सकता था। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें रामायण रचयिता वाल्मीकि, शबरी, निषादराज और केवट के चरित्रों का अध्ययन करने से मिल जाता है। यदि शंभुक का वध इसलिए किया गया होता कि वह एक शूद्र है और उसे वेद पाठन तपस्या का अधिकार नहीं था, तो फिर वाल्मीकि भी एक शूद्र थे और जाति और वर्ण कर्म आधारित थे। उस समय अगर हम बात करें तो जाति और वर्ण कर्म आधारित थे, अतः वाल्मीकि ब्राह्मण बन गए। अगर हम बात करें शबरी की, तो शबरी रामचंद्र की अनन्य भक्ति, उसने उन्हें बेर खिलाए, रामचंद्र ने शबरी को नवदा भक्ति भी सुनाई और अंत में शबरी स्वर्गलोक को चली गई, जबकि शबरी भिलनी थी और वह भी शूद्र जाति की ही हुई। अगर हम बात करें निषादराज की, तो वो उच्च कुल के नहीं थे, फिर भी वे श्री राम के मित्र थे। और अगर हम केवट को समझना चाहें, तो केवट ने श्री राम को यह साबित कर दिया कि कर्म के आधार पर उन दोनों की जाति एक ही है। अतः इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि जाति या वर्ण कर्म आधारित था। अतः शंभुक का वध इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो शूद्र है और तप कर रहा है, नहीं तो यह अधिकार वाल्मीकि, शबरी, निषादराज, केवट को भी न मिला होता, जो कि जन्म से शूद्र या निम्न जाति के थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यह प्रसंग या तो गलत है या इसमें कोई छेड़छाड़ की गई है और इसमें बदलाव किए गए हैं। भारतीय समाज का जो मूल आधार है वो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, न कि जन्म आधारित। अंत में इस चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ एक चौपाई के साथ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।